बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ब्रेड पुडिंग, जिसको बनाना बहुत आसान है। इसको आप सिंपल माइक्रोवेव में बना सकते हैं, जिसमें आप खाना वगैरह गर्म करते हैं उस माइक्रोवेव में। तो आप जल्दी से इसको बनाएं और चाय के साथ एंजॉय करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यम्मी और हेल्दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसको बनाना किस तरह है। सबसे पहले आपने दो अदद ब्रेड के स्लाइस लेने हैं, 2 टेबलस्पून शुगर लेनी है, 1 टेबलस्पून अनसोल्टेड बटर लेना है, 7 टेबलस्पून मिल्क लेना है, थोड़े से हम ड्राई नट्स लेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून, 2 ड्रॉप्स हमने लेने हैं वनीला एसेंस के, और 1 अदद अंडा लेंगे। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए एक खूबसूरत सा मग ले लें, तो उसमें ऐड करें 7 टेबलस्पून मिल्क, 2 टेबलस्पून शुगर। शुगर आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो आपने मिल्क और शुगर को अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेना है, उसके बाद आपने इसमें एग ऐड करना है, वरना शुगर जल्दी मेल्ट नहीं होती। तो इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे 2 ड्रॉप्स सिर्फ हम इसमें ऐड करेंगे वनीला एसेंस के, आपने इससे ज्यादा ऐड नहीं करना, सिर्फ आपने 2 ड्रॉप्स ऐड करने हैं। तो इसको डाल के आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, और साथ ही हमने इसमें एग भी ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, उसको एक साइड में कर देना है। तो अब ले लेंगे ब्रेड, ब्रेड के ऊपर आपने बटर की थिक लेयर अप्लाई करनी है, क्योंकि हमने बटर या घी कुछ भी अपने मिक्सचर में ऐड नहीं किया, इसलिए इसके ऊपर थिन लेयर अप्लाई करें। दोनों के ऊपर आपने थिक लेयर अप्लाई करनी है, 1 टेबलस्पून आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अब इसको छोटे छोटे हिस्सों में हम काट लेंगे, बिल्कुल छोटा छोटा कर लेंगे, बिल्कुल आप इसी तरह इसको कटिंग करें। ये ब्रेड पुडिंग बहुत ही जल्दी रेडी हो जाती है, जैसे आप चाय रखें साथ ब्रेड पुडिंग बनाना स्टार्ट कर दें, तो दोनों चीजें एक साथ रेडी हो जाएंगी। मैंने भी साथ चाय रखी हुई है, जैसे ये फिनिश होगी, कम्प्लीट होगी, बन के रेडी होगी, साथ ही चाय रेडी हो जाएगी। तो आप लोग शाम की चाय के साथ इसको एंजॉय करें। तो अब ले लेंगे ब्रश और इससे मग को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, थोड़ा सा हम बटर लगा लेंगे, अगर आप चाहें तो ऑयल से भी ग्रीस कर सकते हैं। इसको ऑयल से ग्रीस करके इसको इसमें हम ब्रेड के स्लाइसेस ऐड कर देंगे, तो सारे स्लाइसेस इसमें इनके अंदर डाल देंगे। आप चाहें तो इसे थोड़ा छोटा मग भी ले सकते हैं और बड़ा भी ले सकते हैं। तो इसके ऊपर हम मिक्सचर ऐड कर देंगे, आहिस्ता से करके सारा मिक्सचर आपने इसके ऊपर ऐड कर देना है। और इसको आपने 2 से 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव करना है। ये वही माइक्रोवेव है जिससे आप डेली रूटीन में खाना गर्म करते हैं, क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं कि ओवन में रखना है या माइक्रोवेव में। माइक्रोवेव ये होता है कि जिसमें आप लोग खाना गर्म करते हैं और ओवन में बेकिंग होती है, और ये इसी में ही फूल के रेडी हो जाएगी। माशाल्लाह हमारी जो ब्रेड पुडिंग है वो रेडी हो चुकी है, बहुत ही ज्यादा यम्मी, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा यम्मी बनती है। अब इसके ऊपर हम ड्राई नट्स ऐड कर देंगे अपनी मर्जी से, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। तो इसके साथ मैंने बहुत ही अच्छी चाय बनाई है, साथ में ब्रेड पुडिंग है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही जबरदस्त है। आप लोग मेरी रेसिपी को जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट्स में बताना आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।